हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी जोन। आज हम लोग PMM1, PMM2 एंड PMM3 पढ़ेंगे। PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। PMM का मतलब क्या होता है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। परपेचुअल का मीन्स होता है कंटिन्यूअस, मतलब मशीन जो होगी वो कंटिन्यूअसली, मशीन क्या होती है जो कि कंटिन्यूअसली हमें वर्क दे। और PMM1 क्या है? एक इमेजिनरी डिवाइस है। क्या है? एक इमेजिनरी डिवाइस है। मीन्स PMM1 क्या होती है? कि इमेजिनरी डिवाइस है जो कि हमें कंटिन्यूसली वर्क दे। क्या दे? कंटिन्यूसली वर्क दे विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब बिना कुछ खाए पिए ये हमें कंटिन्यूसली वर्क देती रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? PMM1 कहते हैं। क्या कहते हैं? PMM1 कहते हैं। इट इज़ अ फिक्टिशियस डिवाइस। फिक्टिशियस मतलब होता है इमेजिनरी। क्या होता है? इमेजिनरी डिवाइस या मशीन विच कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस द मैकेनिकल वर्क, जो कि हमें कंटिन्यूसली मैकेनिकल वर्क दे विदाउट कंज्यूमिंग, बिना कंज्यूम किए हुए एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंज्यूम किए हुए हमें कंटिन्यूसली जो वर्क दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? PMM1 कहते हैं। ये वायलेट करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। क्या? किसको वायलेट करती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। और इसकी जो इफिशियंसी होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब देखते हैं ये कैसे वायलेट करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। वी नो डैट, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, किसके लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो नेट हीट इंट्रैक्शन होगा वो नेटवर्क इंट्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स फॉर साइकिल। किसके लिए होता है? साइकिल के लिए। अब यहाँ पे देखें तो नेट हीट इंट्रैक्शन कितना है? ज़ीरो है। और नेट वर्क इंट्रैक्शन हमें डब्ल्यू मिल रहा है। यहाँ से देखें तो डब्ल्यू हमें केवल मिल रहा है। नेट वर्क इंट्रैक्शन क्या है? डब्ल्यू है। और नेट हीट इंट्रैक्शन क्या है? ज़ीरो है। कुछ भी हीट बिना कुछ इनपुट में लिए आउटपुट में हमें वर्क कंटिन्यूसली वर्क मिल रहा है। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? हीट इन नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू नेटवर्क इंट्रैक्शन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दैट्स वाई इट्स वॉयलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये किसको वॉयलेट करती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वॉयलेट करती है PMM1। कौन सी मशीन? PMM1। अब इसकी इफ़िशियंसी कैसे इनफाइनाइट होती है वो हम लोग देखते हैं। बिना कुछ हीट इनपुट लिए हमें कंटिन्यूसली वर्क दे रही है। एक कौन सी डिवाइस होती है? PMM1 होती है। वी नो डैट, हमें पता है कि इफ़िशियंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट में हमें क्या मिल रहा है? हीट मिल रही है, वो भी ज़ीरो, कुछ भी नहीं हीट मिल रही है। आउटपुट में हमें वर्क मिल रहा है। तो हमें पता है किसी भी चीज़ के अपॉन में यदि ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। मींस इफ़िशियंसी यहाँ पे कितनी है? इनफाइनाइट। इसकी इफ़िशियंसी इनफाइनाइट होती है PMM1। PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड की इफ़िशियंसी इनफाइनाइट होती है। ये वॉयलेट करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को।